नमस्कार, मैं हूं सुनील कुमार सोनी। आप देख रहे हैं पोल होल पोस्ट। प्रतिबंध के बावजूद भी जारी है लाल ईंट का कारोबार। में जगह जगह ईंट बनाई जा रही है। इन लाल ईंट के भट्ठे में अवैध कोयले का खुलेआम उपयोग हो रहा है, खुलेआम चल रहा है। इस अवैध कारोबार पर जिम्मेवार अधिकारियों ने आंखें बंद कर ली है। अब तक अवैध ईंट भट्ठों पर कार्रवाई नहीं की गई है, यही वजह है कि आए दिन क्षेत्र में लाल ईंट का अवैध कारोबार चल रहा है। वहीं कई भट्ठों में नाबालिग मजदूर भी काम करते नजर आते हैं। स्थानीय लोगों ने कई बार अधिकारियों को इसकी शिकायत भी की, पर जिम्मेवार अधिकारी चुप्पी साधे रखे हैं। ईंट बनाने में नदियों से अवैध रूप से रेत का उत्खनन कर भट्ठों में भंडारण किया जाता है, जबकि आए दिन क्षेत्र में खनिज विभाग के अफसर घूमते नजर आते हैं। रास्ते में चल रही कुछ गाड़ियों पर चालानी कार्रवाई करते हुए अपना टारगेट पूरा कर लेते हैं, पर इन अवैध रूप से संचालित ईंट भट्ठों पर अब तक खनिज विभाग के अधिकारियों की नज़र नहीं पड़ी है। जबकि कई ईंट भट्ठे तो सड़क किनारे में तो कई अंदर मार्ग में किनारे ही संचालित हैं। वहीं मोरवा इलाके के मढ़ौली में देखा जाए तो बहुत ही बड़े पैमाने पर अवैध ईंट का भट्ठा संचालित है। आप देख सकते हैं वीडियो में कि किस तरह अवैध कोयला वहाँ पे जमा करके लोगों ने रखा है। बहरहाल कार्रवाई ना होना क्षेत्र में चर्चा का विषय बना हुआ है। आपको बताना चाहेंगे कि यह अवैध ईंट भट्ठा जो इतने बड़े पैमाने पर लगाया गया है, मढ़ौली जयंत खदान के एकदम समीप लगाया गया है। यहाँ पे जो कोयले का स्टॉक है, आप वीडियो में देख सकते हैं, जो कोयले का स्टॉक है थोड़ा मोड़ा नहीं, बहुत ही ज़्यादा मात्रा में कोयला यहाँ रखा गया है। कहीं ना कहीं यह सिद्ध होता है कि इनको किसी न किसी का संरक्षण प्राप्त है, तभी यह दिन दहाड़े अवैध तरीके से खुलेआम दो नंबर का काम कर रहे हैं। वहीं आप देख सकते हैं कि कितने बड़े पैमाने पर अवैध लाल ईंट का कारोबार हो रहा है। इन पे कार्रवाई न होना कहीं ना कहीं प्रश्न चिन्ह खड़ा होता है प्रशासन के ऊपर। चैनल को सब्सक्राइब करें, घंटी का बटन जरूर दबाएं, जिससे नई अपडेट आपको समय समय पर मिलता रहे। समाचार को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट बॉक्स में अपने सुझाव जरूर दें, जिससे हम और समाचार में सुधार कर सकें। समाचार देखने के लिए आपका शुक्रिया। नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक को क्लिक करें और डाउनलोड करें पोल पोस्ट बाय यूट्यूब और फेसबुक से समाचार।